हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पेंसिल स्केच को आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केच की आउटलाइन तो हम बना लेते हैं, बट कहीं ना कहीं शेडिंग में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जब आप शेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा लाइट और डार्क एरिया का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी शेडिंग को शुरू करें हमेशा लाइट टू डार्क जाना ज़रूरी है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि उसी से हमारा स्केच रियलिस्टिक भी बनता है। आप जितना अपने स्केच को टाइम देंगे स्केच उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने HB पेंसिल को पूरा फिल किया है फेस और नेक पर। फिर उसके बाद आप चाहे तो लाइट पेंसिल हाईलाइट वाला एरिया छोड़ करके आप बाकी एरिया को फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटली HB पेंसिल का यूज़ ज़्यादा किया है और बाकी मैकेनिकल पेंसिल और सिक्स पेंसिल का यूज़ किया है। सिक्स पेंसिल का यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा डार्क एरिया जहाँ पे मुझे लगा उसको कवर करने के लिए मैंने किया है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं कि आप स्केच को कितना अच्छा बना सकते हो। और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।